हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का जेनिक जेईई स्टडी में। ठीक है, तो हम लोग अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने अपना चैप्टर वन और चैप्टर टू यानी इरिगेशन के दो चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, चैप्टर वन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? चैप्टर वन में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। ठीक है, देखा था कि इरिगेशन होता क्या है, क्यों हम लोग इरिगेशन करते हैं, क्या उसकी नेसेसिटीज है ना, और फिर देखा था कि इरिगेशन के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है उसके। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर उसी में देखा था चैप्टर वन में हम लोगों ने मेथड और टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स देखे थे, टेक्निक्स देखे थे, है ना। फरो इरिगेशन देखा था और प्री फ्लडिंग देखा था, बॉर्डर फ्लडिंग देखा था, चेक फ्लडिंग देखा था, स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में देखा था और ड्रिप इरिगेशन के बारे में देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने चैप्टर टू स्टार्ट किया था। चैप्टर टू में दो पार्ट थे, है ना, और मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर टू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां से बनते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट में था, सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, और सेकेंड आपका पार्ट था वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। तो वो सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो जो भी लोग आज वीडियो में नए आए हैं, उनका अगर चैप्टर छूट गया होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, तो जाकर के पुराने वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर वन और चैप्टर टू के। आज से हमारा चैप्टर थ्री स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम है डिजाइनिंग ऑफ कैनल्स, या फिर लिख सकते हो डिजाइन ऑफ कैनल्स। ठीक है, डिजाइन डिजाइन ऑफ कैनल। ठीक है, यहां से अब जितने थ्योरी के पार्ट थे हम लोगों ने पढ़ चुके। ठीक है, जो थ्योरी का पार्ट था हम लोग पढ़ चुके। एक्चुअल में जो इरिगेशन का पार्ट था वो अब हो चुका है ना। इरिगेशन को आप लोगों ने बहुत एग्जाम में सुना होगा, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी बोल दिया जाता है ना। कुछ जगह पे इरिगेशन इंजीनियरिंग कहा जाता है, कुछ जगह पे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो इरिगेशन का जो पार्ट था वो वहां तक था। ठीक है पूरा इरिगेशन का सब्जेक्ट ही, ठीक है, लेकिन जो मेन इरिगेशन के बारे में जो चीजें पढ़नी थी वो वहां तक थी। अब डिजाइनिंग की चीजें आएंगी, है ना, कि क्या कैसे हम कैनल डिजाइन करते हैं, क्या उसकी थ्योरीज हैं, फिर डैम में लगने वाले प्रेशर को देखेंगे, कौन कौन से फोर्सेस डैम में लगते हैं, स्पिल वे क्या होता है ना, कैनल रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अब हमें पढ़नी है। ओके, तो चलो ये डाल लो हेडिंग डिजाइन ऑफ कैनल। ये आपका नया चैप्टर है, या फिर कह सकते हैं नया टॉपिक है। ओके, चलो। तो दो तरीके के कैनल होते हैं, अगर टाइप्स ऑफ कैनल आप देखोगे। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ कैनल, ठीक है, टाइप्स टाइप्स ऑफ कैनल, तो टाइप्स ऑफ कैनल दो तरीके के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होगा आपका लाइंड कैनल, लाइन कैनल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एलुवियल कैनल, नॉन एलुवियल कैनल। ठीक है, नाम को याद रखेंगे सभी। सेकंड क्या होता है, अनलाइंड कैनल, अनलाइंड कैनल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल कैनल, एलुवियल कैनल। ठीक है, तो जब आपसे पूछे लाइंड कैनल या नॉन एलुवियल कैनल, तो आपको समझ जाना है ये क्या बोल रहा है। दोनों एक ही चीज है। नॉन एलुवियल कैनल कहा मतलब लाइंड कैनल की बात कर रहा है, एलुवियल कैनल कहा तो अनलाइन कैनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इरिगेशन का जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें इसके बारे में थोड़ा ही पढ़ना है कि एक्चुअली में लाइन कैनल होता क्या है, बट अनलाइन कैनल में हमें दो थ्योरीज पढ़नी है। अनलाइन कैनल की ही डिजाइनिंग हमें ज्यादा कंसिडर करना है, ज्यादा ध्यान देना है अनलाइन कैनल में। क्यों? क्योंकि इसमें दो थ्योरीज पढ़नी है। कौन कौन सी? हमें एक थ्योरी पढ़ना है कैनेडिस का, एक थ्योरी पढ़ना है लेसिस का। ठीक है, उनके लिमिटेशंस को पढ़ना है, उनके ऑब्जर्वेशन को पढ़ना है, और उनके क्या डिजाइन प्रोसीजर थे, क्या कौन कौन से उन्होंने फॉर्मूला यूज किए, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइन कैनल क्या होता है, अनलाइन कैनल क्या होता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं कैनल लाइनिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं कैनल लाइनिंग होता क्या है। हेडिंग डाल लेंगे सभी कोई, कैनल कैनल लाइनिंग। तो कैनल लाइनिंग को क्या लिख सकते हैं, कैनल लाइनिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग सीपेज बाय एडिंग By adding some
इम्परवियस मटेरियल्स मटेरियल्स और लेयर्स। ठीक है, अब देखो कैनल लाइनिंग क्या समझते हैं आप लोग? आप लोग जनरली देखे होंगे कैनल, समझते हैं आप लोग? सभी कोई देखे होंगे, छोटा सा नहर बोलते हैं जिसको, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? नहर बोलेंगे। ठीक है, वही क्या है आपका? कैनल कहलाता है। ओके, तो देखो कैनल आप लोगों ने देखा होगा कि दो तरीके के होते हैं, एक सीमेंट कॉन्क्रीट वाले कैनल होते हैं, एक सीमेंट कॉन्क्रीट वाले कैनल होते हैं, और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा एक मिट्टी वाला कैनल होता है, जिसे जस्ट खोद करके छोड़ दिया जाता है ना, उसमें कोई सीमेंट की कॉन्क्रीटिंग वगैरह नहीं की जाती है। तो जिसमें सीमेंट की कॉन्क्रीटिंग वगैरह नहीं की जाती है, ऐसे कैनल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनलाइंड कैनल कहते हैं, है ना। उस ऐसे कैनल को हम लोग क्या कहते हैं? अनलाइंड कैनल कहते हैं। और जहां पर कॉन्क्रीट का लेयर करा दिया जाता है, ठीक है, कॉन्क्रीटिंग कर दी जाती है, वैसे कैनल को हम लोग क्या कहते हैं? लाइंड कैनल कहते हैं। समझ में आया? तो देखो क्या कहना चाह रहा है, कैनल लाइनिंग से हमें फायदा क्या होता है? देखो मिट्टी वाला कैनल रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा? मिट्टी वाला कैनल रहेगा, उसमें पानी फ्लो करेगा, तो कुछ सीपेज होने के चांसेस रहेंगे। ये देखो यहां पर समझो, कुछ इस तरीके का रहता है कैनल, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका कैनल रहेगा, ठीक। अब इसमें आपने क्या किया? पानी प्रोवाइड किया, ठीक है, इरिगेशन वाटर आपने दिया, यहां कैनल में पानी भरा रहेगा। अब इसमें होगा क्या? हो सकता है, अब ये तो आजू बाजू मिट्टी वाला है, मिट्टी वाला एरिया है आजू बाजू, तो सीपेज होने का चांस रहेगा। ये वाटर क्या हो सकता है? सीपेज हो सकता है अंदर की ओर, ठीक है भाई, सॉइल ही है, वो तो सॉइल ही रहेगा ना, उसे जस्ट खोद दिया जाता है और उसे रास्ता बना दिया जाता है, एक कैनल बना दिया जाता है, ठीक है, वहां लाइनिंग या कॉन्क्रीटिंग नहीं की जाती है, ठीक है। तो क्या हो सकता है वहां पर? सीपेज हो सकता है, यहां पर सीपेज हो सकता है, जिससे आपके इरिगेशन वाटर में लॉसेस हो सकते हैं, है ना। अब देखो यहीं पर अगर मैं ये कर दूं कि ये कैनल बनाने के बाद, ये जो कैनल बना है, ये कैनल मैंने बनाया, अब यहां पर कैनल बनाने के बाद मैं क्या किया? इसमें कंक्रीट का लेयर कर दिया, ठीक है, यहां पर पूरा मैंने कंक्रीटिंग कर दिया कुछ इस तरीके से। अब कंक्रीटिंग कर दिया तो ये क्या हो गया? अब सीपेज हो नहीं सकता क्योंकि कंक्रीट का लेयर आ गया है, तो यहां पर जब वाटर भरेंगे तो एफिशियंटली वाटर का क्या रहेगा? स्टोरेज हो सकेगा, वाटर फ्लो हो सकेगा, सीपेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यही चीज बोलना चाह रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग सीपेज बाय एडिंग सम इम्परवियस मटेरियल। ठीक है, समझ में आया? अब देखो होता क्या है इससे, जब अनलाइन कैनल होता है ना, जहां हम लोग कोई भी कॉन्क्रीटिंग या इम्परवियस मटेरियल नहीं करते या कैनल की लाइनिंग नहीं करते हैं, वहां क्या क्या होता है? वहां पर क्या होता है? अबाउट 30% ऑफ इरिगेशन वाटर, 30% ऑफ इरिगेशन वाटर कैन बी लॉस ड्यू टू सीपेज। ठीक है, सीपेज के कारण क्या होता है? जो आपका इरिगेशन वाटर होता है, जो कैनल में इरिगेशन के लिए आप वाटर प्रोवाइड करते हो, उसमें का कहता है कि अबाउट 30% ऑफ वाटर क्या होता है? सीपेज के कारण आपका लॉस हो जाता है। किसमें? अनलाइन कैनल में, क्योंकि आप कैनल की लाइनिंग नहीं कर रहे हो, तो मिट्टी में क्या होगा? आपका पानी जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, मतलब सीपेज होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसके कारण क्या होता है? बोलता है कि अबाउट 30% ऑफ आपका क्या होता है? इरिगेशन वाटर का लॉस हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? कैनाल लाइनिंग मेक्स द इरिगेशन सिस्टम मोर एफिशिएंट। ठीक है, क्या करता है आपका कैनल के लाइनिंग करने से क्या होता है? अब देखो कैनल का लाइनिंग आपने कर दिया, अब वहां पर सीपेज हो नहीं सकता, अब जब सीपेज हो नहीं सकता तो आपका कैनल सिस्टम क्या हो जाता है? मोर एफिशिएंट हो जाता है ना, आपका कैनल सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना, वहां पर कोई भी आपके वाटर का लॉस नहीं होता है ड्यू टू सीपेज। इवेपोरेशन के कारण लॉस हो सकता है, ठीक है, इवेपोरेशन के कारण लॉस हो सकता है, लेकिन सीपेज के कारण लॉस
नहीं होगा। अब जब कोई एक लॉस आपका कम हो गया तो आपका क्या बनेगा, आपका सिस्टम जो है इरिगेशन का वो क्या हो जाएगा, वो एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज होता है कैनल लाइनिंग। समझ में आया? कैनल लाइनिंग में क्या करते हैं, आपने नहर बनाया है, कैनल बनाया है, उसमें अगर आपने कॉन्क्रीटिंग कर दिया कुछ इम्पर्वियस मटेरियल से तो वो क्या हो जाएगा, इम्पर्वियस मटेरियल से उसका वो कर दिया, लाइनिंग कर दिया, तो उसमें सीपेज होगा नहीं, ब्लॉक कर देगा, तो क्या आ जाएगा आपका, उसे हम क्या कहेंगे, कैनल लाइनिंग कहेंगे। और क्या बोल रहे हैं कि 30% ऑफ, अबाउट 30% ऑफ इरिगेशन वाटर क्या होता है, सीपेज के कारण लॉस हो जाता है कैनल से। अब अगर आपने कैनल सिस्टम में लाइनिंग कर दिया है तो वो आपके इरिगेशन सिस्टम को क्या करता है, मोर एफिशिएंट बना देता है। ठीक है, एफिशिएंसी को उसकी बढ़ा देता है। ओके, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। चल नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग कि आपका डिफरेंस क्या होता है लाइन और अनलाइन कैनल में। ठीक है, देख एक छोटा सा एक पॉइंट लिख लेते हैं कि आपके लाइन, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि होता क्या है लाइन एंड अनलाइन कैनल, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो एक जस्ट आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाए जिससे आप लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड अनलाइन कैनल। ठीक है, लाइन एंड अनलाइन कैनल के बीच क्या डिफरेंस होता है वो आप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाइन कैनल क्या होगा, लाइन कैनल आर, लाइन कैनल्स आर दैट कैनल्स विच आर, दैट कैनल्स विच आर मेड फ्रॉम, मेड बाय सम मटेरियल्स सच एज ब्रिक्स और सीमेंट कॉन्क्रीट, ब्रिक्स और सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, विच ब्लॉक्स द पोर्स एंड रिड्यूस सीपेज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये सारी चीजें? समझ में आया क्या होता है लाइन कैनल? लाइन कैनल क्या होगा, लाइन कैनल्स आर दैट कैनल्स विच आर मेड बाय सम मटेरियल। ठीक है, सम इम्परवियस मटेरियल, ठीक है, वैसा भी लिख सकते हैं आप, सम इम्परवियस मटेरियल सच एज ब्रिक, ब्रिक से भी कर सकते हो, वैसे बहुत कम जगह पे ब्रिक का यूज होता है, अक्सर वहां पर सीमेंट कॉन्क्रीट का ही यूज होता है। ठीक है, कॉन्क्रीटिंग कर दी जाती है, उससे क्या होता है आपका पोर्स जो है, ठीक है, जो भी कोर्सर पोर्स रहेंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब जब पोर्स ही नहीं रहेगा तो सीपेज कहां से होगा, सीपेज नहीं होगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं हुआ तो आपका क्या हुआ, कैनल का एफिशियंसी बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगर आप अनलाइन कैनल में जाओगे तो उसका आप लिख सकते हो, अनलाइन कैनल में इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, जिस कैनल में इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनलाइन कैनल कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, बन जाएगा इतना सारा चीज। चलो अब आगे देखते हैं। अब कैनल के डिजाइनिंग के लिए दो थ्योरीज दी गई है। ठीक है, कैनल के डिजाइनिंग के लिए हमें दो थ्योरीज दी गई है, उन्हें हमें पढ़ना है। ये तो था बेसिक चीज जहां पर हम लोगों ने देखा कि लाइन कैनल क्या होता है, अनलाइन कैनल क्या होता है, कैनल की लाइनिंग किसको कहते हैं, ये सारी चीज अभी तक हम लोगों ने देखी। अब देखना है मेन चीज हमें कि कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है। ठीक है, चल तो अनलाइन कैनल के लिए दो थ्योरीज दी गई हैं, लिख लेते हैं उसे। फॉर अनलाइन कैनल कैनल्स टू थ्योरीज आर फॉर्म्ड ठीक है, पहला थ्योरी कौन सा होगा, फर्स्ट थ्योरी होगा आपका, फर्स्ट थ्योरी होगा आपका कैनेडिस थ्योरी।
कैनेडीज थ्योरी, सेकंड आपका होगा लेसिस थ्योरी, ठीक है, सेकंड आपका होगा लेसिस थ्योरी, क्लियर है। तो दो थ्योरी हमें पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, ठीक है। अब आपका डिजाइनिंग जो चालू हो गया है कैनल का, उसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, कैनेडी थ्योरी और लेसिस थ्योरी। और ये किसके लिए दिया गया है, ये अनलाइन कैनल के लिए इन्होंने थ्योरी दिया है, ठीक है। तो पहले डिस्कस करेंगे कैनेडी थ्योरी को, कैनेडी थ्योरी में क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या किस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है ये, क्या इसका डिजाइनिंग प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स होंगे, वो सारी चीजों को देखेंगे। फिर लेसिस थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या था और इनकी लिमिटेशंस क्या थी। ओके, तब जाकर के हमारा चैप्टर 3 फिनिश होगा, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहले कैनेडिस थ्योरी के बारे में। तो कैनेडिस थ्योरी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब इसके बारे में समझो कि कैनेडिस थ्योरी होता क्या है। चलो कैनेडी थ्योरी के बारे में सबसे पहले समझो कि है क्या कैनेडी थ्योरी। ये कैनेडिस नाम के हमारे इंजीनियर थे, ठीक है, कैनेडिस नाम के इंजीनियर थे जिन्होंने 1895 में एक थ्योरी दी, 1895 में इन्होंने थ्योरी दी, ठीक है। ये पंजाब पीडब्ल्यूडी में थे, ठीक है, ये क्या थे, पंजाब पीडब्ल्यूडी में थे। उस समय पंजाब पाकिस्तान का भी हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, उस समय पंजाब क्या था, पाकिस्तान का भी हिस्सा हुआ करता था। तो ये जो थे कैनेडी जी, ये क्या थे, पंजाब पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, ठीक है। 1895 में इन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है, कैनल सिस्टम के लिए, अनलाइन कैनल सिस्टम के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी। और वो थ्योरी क्या था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट डाल लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अपर बारी दोआब सिस्टम, ठीक है। इसको और अच्छे से ऐसे लिख लो कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अपर बारी दोआब सिस्टम। मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, अपर बारी दोआब सिस्टम, ठीक है। तो ये एकदम अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जो कैनेडिस थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, ठीक है, कैनेडिस की जो थ्योरी है, कैनेडिस का जो ऑब्जर्वेशन है वो किस पे बेस्ड है, तो आपको क्या बताना है, अपर बारी दोआब सिस्टम पे ये बेस्ड है, ठीक है। अब ये अपर बारी दोआब सिस्टम है क्या, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि चलो ठीक है अपर बारी दोआब सिस्टम पे बेस्ड है, पर अपर बारी दोआब सिस्टम है क्या, तो क्या करना है, देखो पाकिस्तान में ना एक जगह है जिसका नाम है बारी, ठीक है, उस समय पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो क्या था, वहां एक बारी नाम की जगह है जहां पर इन्होंने क्या किया, कैनल सिस्टम डिजाइन किया था, एक अपर लेवल पे एक लोअर लेवल पे, ठीक है। उन्होंने कैनल सिस्टम का ऑब्जर्वेशन लिया था, कैनल सिस्टम को डिजाइन किया था, एक अपर लेवल पे किया था, एक लोअर लेवल पे किया था। तो ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, जो उन्होंने अनलाइन कैनल के लिए जो अपना थ्योरी दिया, वो थ्योरी किस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, वो अपर लेवल का जो कैनल सिस्टम था उस पे बेस्ड था, समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपर बारी दोआब सिस्टम, ठीक है। बारी जगह का नाम है, ठीक है, उस समय के पाकिस्तान में एक जगह था बारी नाम का, ठीक है, और वहां दो कैनल सिस्टम डिजाइन हुए थे, एक अपर लेवल पे एक लोअर लेवल पे। तो इन्होंने क्या किया, अपर लेवल वाला जो कैनल था उसको क्या किया, उसके बेस पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, उसके बेस पे उन्होंने थ्योरी दी अपनी, ठीक है, और यही थ्योरी क्या कहलाई, अपर बारी दोआब सिस्टम, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कैनेडिस थ्योरी किस किस पे बेस्ड है, तो वो किस पे बेस्ड है, अपर बारी दोआब सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। तो समझ में रहा आएगा, याद रहेगा अपर बारी दोआब सिस्टम क्या है। ओके चलो, तो देखते हैं अब इसका ऑब्जर्वेशन, देखते हैं इस थ्योरी का। चल इसके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या कहा है, कुछ पॉइंट्स कहे हैं इन्होंने ऑब्जर्वेशन में। चल देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस लिख लो, यहां पर हेडिंग डाल लो ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एक और टर्म आएगा रिजाइन रेजिम चैनल का,
या रिजाइन चैनल का आप बोल सकते हो, उसको भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, सेल्ट सपोर्टिंग पावर, सेल्ट सपोर्टिंग, सेल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ कैनाल, सेल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ कैनाल इज डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन जेनरेशन ऑफ, जेनरेशन ऑफ एडिस। ठीक है, सेल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ कैनाल इज डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन जनरेशन ऑफ एडिस। अब देखो ये क्या है, एडी क्या है, अब समझो ये कुछ आपका कैनल है, ये आपका कैनल सिस्टम है, ओके। अब ये क्या कहलाएगा, आपका बेस ऑफ द कैनल, ये क्या रहेगा, कैनल का बेस है। अब जब वाटर फ्लो होगा, वाटर आपका फ्लो है, अब समझो ये 3D वे में है, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से इसको देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं। ये देखो ये आपका कैनल है, कुछ इस तरीके का कैनल आपने बनाया है, ठीक है। अब इसको 3D वे में देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये आपका कैनल, कुछ इस तरीके का आपका कैनल जा रहा है, ठीक है, ये कैनल है आपका। अब यहां से पानी फ्लो हो रहा है, यहां से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, आपके कैनल का बेस है, ये आपके कैनल का बेस है। अब समझो कि जब वाटर फ्लो होगा, भाई वाटर जब फ्लो होगा, ये देखो ये आपके कैनल का बेस है, अब जब यहां से वाटर फ्लो होगा तो इसके बेस पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, इसके बेस से फ्रिक्शन जनरेट होगा, वाटर फ्लो हो रहा है तो ये आपके कैनल का बेस है, तो इसके बेस पे क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन जनरेट होगा तो कुछ वाटर कुछ इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देखो, इमेजिन करो थोड़ा सा, ठीक है, आपका वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर आपके बेस से टकरा रहा है, बेस से टकराएगा तो कुछ इस तरीके से करंट जनरेट होगा, और उन्हीं करंट्स को क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके से उठेगा लहर, उसी ही क्या बोलते हैं, एडिस बोलते हैं, ठीक है, उसे ही हम एडिस करंट भी बोलते हैं, कुछ जगह पे एडिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो एडिस होता क्या है, अगर आप समझाने के लिए तो मैंने समझा दिया, अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो एडिस क्या होगा, एडिस, एडिस आर जनरेटेड, एडिस आर जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन बिटवीन वॉटर, वॉटर एंड बेस ऑफ कैनल, एंड बेस ऑफ कैनल, ठीक है। तो कैनल का जो बेस है, ठीक है, कैनल मैंने अभी समझाया ना कि कैनल का जो बेस है और वॉटर, कैनल के बेस और वॉटर के बीच फ्रिक्शन होगा तो उसके कारण क्या होगा, करंट जनरेट होगा, और उस करंट को ही हम क्या बोलते हैं, एडिस बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं इनका। तो दो चीज समझ में आया, सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ कैनल डिपेंड्स अपॉन जनरेशन ऑफ एडिस, एंड एडिस आर जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वॉटर एंड बेस ऑफ द कैनल। अब मैं ये पॉइंट को तो समझा दिया, अब इस पॉइंट को समझाता हूं कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर वो क्यों कह रहा है। अब देखो सिल्ट सपोर्टिंग पावर वो क्यों कह रहा है, अब देखो वॉटर जब फ्लो होगा कैनल में तो उसके साथ कुछ सेडिमेंट भी आएंगे, है ना, वाटर जब फ्लो होगा तो उस फ्लोइंग वाटर के साथ कुछ सेडिमेंट भी आएंगे, है ना, उस सेडिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं, ठीक है, उन सेडिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। अब देखो क्या होता है कि आपका कुछ इस तरीके का कैनल है ना, यहां पर क्या है, आपके वाटर है और कुछ इस तरीके से सिल्ट पार्टिकल्स भी है इसमें, ठीक है, सिल्ट पार्टिकल्स भी है। अब ये सिल्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, कैनल में धीरे धीरे सेटल डाउन होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अब धीरे धीरे सेटल डाउन होंगे तो यहां पर वो जमना शुरू हो जाएंगे आपके कैनल में, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या कहा है कि हम एक ऐसी वेलोसिटी के साथ चलते हैं, समझना, एक ऐसी वेलोसिटी के साथ समझते हैं जिसमें ये क्या होगा कि यहां से एडिस जनरेट होंगे, ऐसी, अब क्या होगा, ये वॉटर और ये बेस, बेस ऑफ द कैनल और वॉटर के बीच क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन हुआ तो क्या हुआ, उसके कारण एडिस जनरेट हुए, करंट जनरेट हुए, वो क्या करेगा, इसको नीचे बैठने नहीं देगा, ये सिल्ट को क्या करेगा, वो नीचे बैठने नहीं देगा। अब जब सिल्ट को नीचे बैठने नहीं दिया और जमने नहीं दिया एडिस के कारण, वो सिल्ट ऊपर ही रहे और नीचे बैठे नहीं, तो वो क्या हो गए, एडिस, सॉरी, आपके जो सिल्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या आ गए, सस्पेंशन में आ गए, आपके सिल्ट पार्टिकल क्या आ गए,
सस्पेंशन में आ गए और वाटर के साथ वो फ्लो होते रहेंगे, नीचे बैठेगा नहीं, वो क्या करेगा आपके वाटर के साथ फ्लो होता रहेगा और सस्पेंशन में रहेगा, ठीक है, सस्पेंशन में रहेगा। वही चीज को ये कह रहा है कि सील सपोर्टिंग पावर ऑफ कैनाल डिपेंड्स अपॉन जनरेशन ऑफ एडी। अब वो सील सपोर्टिंग पावर आपका किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका डिपेंड करेगा कि कितना आपने एडीज जनरेट किया है, जितना एडी जनरेट होगा उतना ही सिल्ट कितना रहे, क्या रहेगा, सस्पेंशन में रहेगा। वही चीज ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, वो जल्दी से देखते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन में वो यही चीज कह रहे हैं कि जिस वेलोसिटी पे, देखो आप इसको अपने टर्म में लिख सकते हैं, आप ऐसी वेलोसिटी को मेंटेन करके चलिए, ठीक है, जिसमें ये चीज हो, एक ऐसी वेलोसिटी को हम मेंटेन करते हैं जिसमें एडीज जनरेट हो और आपका सिल्ट क्या रहे, सस्पेंशन में रहे, ठीक है। आपका सिल्ट क्या रहेगा, सस्पेंशन में रहेगा, एडीज जनरेट होगा, नीचे बैठेगा नहीं, और उस वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। और जब एक सर्टन वेलोसिटी को हम मेंटेन करके चलते हैं तो उसमें क्या होगा, स्कोरिंग भी नहीं होगा, ठीक है। स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका कैनल है, ये आपका कैनल है, इसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, आपका वाटर फ्लो हो रहा है, तो अब क्या करेगा, अनलाइन कैनल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि लाइन कैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मिट्टी है ये, किनारे पे क्या रहेगा, मिट्टी ही रहेगा, है ना, उसके कारण क्या होगा, वाटर क्या करेगा, अब सेडिमेंट पार्टिकल्स है आपके, वाटर क्या करेंगे, इसे काटने की कोशिश करेंगे, इसे इरोड करने की कोशिश करेंगे, यहां के कैनल को, सॉरी यहां के स्लोप को इरोड करने की कोशिश करेंगे, वहां के सॉइल को इरोड करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इरोजन के कारण कुछ इस तरीके से आपका कैनल इस तरीके से होने लगेगा, यहां की मिट्टी क्या हो जाएगी, इरोड होने लग जाएगी, यहां की मिट्टी, यहां का सॉइल जो रहेगा वो इरोड होने लग जाएगा और इस तरीके से इरोजन होने लग जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग, मतलब घर्षण के साथ आपका क्या करेगा, वो स्लोप को, मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाने की कोशिश करेगा, कब, जब आपका वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा पानी का, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, एक सर्टन वेलोसिटी को मेंटेन करके चलते हैं जहां पर क्या हो, एडीज भी जनरेट हो प्रॉपर जितना चाहिए उतना, जिससे वो सिल्ट भी नीचे ना बैठे और स्कोरिंग भी ना हो, तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, ऐसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, समझ में आया, ऐसे वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या कहा उन्होंने, अब अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है, ठीक है, ऐसा कंडीशन, द कंडीशन वेयर, द कंडीशन, द कंडीशन वेयर नो सिल्टिंग, नो सिल्टिंग एंड स्कोरिंग, स्कोरिंग ऑकर्स इन कैनल, सच कंडीशन इज कॉल्ड, सच कंडीशन, कंडीशन और सच चैनल, सच चैनल is called, is called regime channel या regime channel, ठीक है। तो ये important चीज है कि regime channel क्या होता है या regime channel क्या होता है, ऐसा condition इतनी velocity हम provide कर दे जिसको हम क्या बोलते हैं, critical velocity, कि वहां पर ना तो scoring हो ना ही silting हो, तो ऐसे condition को हम क्या कहते हैं, regime condition कहते हैं, या फिर और इस condition वाले channel को हम लोग क्या कहते हैं, रिजाइन चैनल कहते हैं, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजिम चैनल क्या होता है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, देयर इज नो सिल्टिंग एंड स्कोरिंग, देयर इज ओनली सिल्टिंग एंड स्कोरिंग, देयर इज ओनली स्कोरिंग नॉट सिल्टिंग, ऐसे करके आपको चार एग्जाम्पल दिए रहेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, ऐसा कंडीशन जहां ना तो सिल्टिंग होता है ना स्कोरिंग होता है, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेजिम कंडीशन कहते हैं या फिर रेजिम चैनल कहते हैं, ठीक है। जो कंडीशन होगा उसको रेजिम कंडीशन कहेंगे और जो उस कंडीशन में वो चैनल रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, रेजिम चैनल कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि कैनल का डिजाइनिंग देखा, ठीक है, क्या उस कैनल लाइन कैनल क्या होता है, कैनल लाइनिंग क्या होती है और कौन से दो थ्योरीज है अनलाइन कैनल के लिए, ठीक है, तो कौन कौन से थ्योरीज है, कैनेडीज और लेसीज, और कैनेडीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया है और ऑब्जर्वेशन तक का वहां तक हम लोगों ने देखा है, कल देखेंगे इसके डिजाइनिंग के स्टेप्स हम लोग देखेंगे, ओके। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में जितनी सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि कितने अच्छे से आपको चीजें समझ में आई है।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर दिन आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी क्लास मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके, उनकी भी तैयारी हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके डिजाइनिंग के स्टेप के साथ। थैंक यू।